आज यही आह्वान करने के लिए मैं आज मुरादाबाद के उद्यमियों का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। भाई अगर बुनियादी सुविधाएं सरकार दे रही, सुरक्षा सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, अपराध और अपराधी के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, और मैं इसीलिए आज सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करूंगा। आपने पिछले 5 साल बीजेपी सरकार की कार्यपद्धति को देखा, बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हरेक तबके को दी जा रही है। एक ओर सुरक्षा का बेहतर वातावरण, ये पेशेवर अपराधी माफिया जो दंगा कराते थे, दंगा भड़काते थे, गुंडागर्दी करते थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेन लगाते थे, विकास की योजनाओं में बैरियर बनते थे, आज आपने देखा होगा ये सभी अपराधी और माफिया बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। या तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके जेल के अंदर डाले जा चुके हैं, या स्वयं प्रदेश छोड़कर के भाग चुके हैं। आज बेहतर सुरक्षा का वातावरण देकर के तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोगों ने जिस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है वह आप सबके सामने है, और इसीलिए मेरे लिए आप सबसे कहते हुए कि हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दुनिया भर के लगभग 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आएंगे, और उस अवसर पर मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जब उत्तर प्रदेश का उद्यमी और उत्तर प्रदेश का निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करके न केवल अपने व्यवसाय को कई गुना बढ़ाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से संदेश भी देगा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनना है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए अधिक से अधिक निवेश और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सब योगदान देंगे। आपके द्वारा क्या करना चाहिए, यहाँ स्कूल के निर्माण के लिए हो सकता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के निर्माण के लिए हो सकता है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए हो सकता है। कोरोना के दौरान भी आपने देखा होगा जब सरकार आपके साथ खड़ी थी, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कार्य कर रही थी, परिणाम सबके सामने थे। लेकिन भाइयों बहनों, शासन की योजनाएं स्थानीय निकाय संस्थाओं तक पहुंचे और उसके बाद वहां कोई बैरियर लग जाए बहुत कठिन होता है। जब स्थानीय निकाय ये भी उसी विचारधारा के लोग आए तो उसका लाभ फिर कई गुना मिलता हुआ दिखाई देता है, और इसके लिए प्रबुद्ध जनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप सबसे मेरी अपील है कि डबल के साथ साथ ट्रिपल इंजन को भी इसके साथ जोड़ना, जो निवेश के लिए और स्थानीय स्तर की समस्या का समाधान करने में एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, और मेरी आप सबसे अपील होगी कि आप सभी लोग मिलकर के इस दिशा में अगर एक सकारात्मक प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर लेंगे, कोई कारण नहीं उत्तर प्रदेश बहुत शीघ्र देश की नंबर एक की अर्थव्यवस्था बन करके देश के विकास का ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्माण करता हुआ, और इसके लिए मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का, यहाँ के उद्यमियों का, यहाँ के जितने भी निवेशक है उन सबका, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य करने वाले यहाँ के चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज का, लघु उद्योग भारती का, यहाँ के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, शिक्षाविदों और समाज जीवन से जुड़े हुए विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए सभी महानुभावों का आह्वान करूंगा, वे उत्तर प्रदेश को निवेश के बेहतरीन गंतव्य के रूप में स्थापित करने के इस पवित्र अभियान के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए
अपने मंचस्थ सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूँ, मुरादाबाद वासियों को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ हम सब मिलकर के मुरादाबाद को एक सुंदर और स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।